कार्यक्रम बताया है उसी ऊपर क्या है आपका? जितने भी यहाँ पे ज्यादती होते आ रहे हैं हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट में, आज तक एक भी प्रॉब्लम के ऊपर 40 सालों से जीते हुए असदुद्दीन या अकबरुद्दीन, दोनों के दोनों आज तक एक भी मसला को हल नहीं कर पाए। हम सबको मालूम है इधर कितने घरों में मुसलमान लड़कियों का शादी बार बार यहाँ पर गरीबी के वजह से हो रही है, या शादी होकर इन लड़कियों को दूसरे देश लेके चले जाते हैं, वहां जाने के बाद इनकी क्या हालत होती है ये हम सब जानते हैं। आज तक इन दोनों में कोई भी इसके बारे में किसी प्रकार का तैनात नहीं करे हैं, किसी प्रकार का ये लोग सच समझने की कोशिश नहीं करे हैं। और कितने ही हिंदू परिवार रोते आए हैं लव जिहाद के बारे में, और इसके बारे में भी आज तक कोई सच बाहर नहीं निकल आ गया है। शायद वो मुसलमान लड़की हो या हिंदू लड़की, इनके आंसुओं का कोई कदर नहीं है। यहाँ पर मैं पूछती हूँ, जब इतना सारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है तो क्या कर रहे हैं दोनों? ये तो MLA भी ये लोग जीतते हैं, MP भी यही जीतते हैं, क्या इनको इसके बारे में किसी प्रकार का इन्वेस्टिगेशन करवाने का, बैठने का उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है? अपना जेब भर रहे मैडम। जब ये नहीं है इनको तो मैं क्या समझूं? क्या ये इनके भागीदार है जो चुप बैठे हैं? एक कहावत है, मौनम अर्धांगीकारम, इसका मतलब है जब आप चुप बैठते हो तो आधा तुमने मान लिया है इसको। तो मैं वही पूछ रही, वक्फ बोर्ड के लैंड इतने खींचे चले जा रहे, आप साइलेंट क्यों बैठे हो? वक्फ बोर्ड के तो मेंबर आपको दो। दारुसलाम में जब इतना सूद पे गरीबों को पैसे दिए जा रहे, उस बैंक के आप ही बड़े लोग हो, तो क्या कर रहे हो आप? चुप बैठने का मतलब यही है कि आप मान रहे हो आप भी इसके भागीदार हो।